दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार यूट्यूब चैनल एके क्लासेस एचएमएच पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पिछले माह से नवंबर माह से रीट एवं पटवार भर्ती से संबंधित विभिन्न फ्री वीडियो लेक्चर अवेलेबल करवा रहा है और ये आगे भी अवेलेबल करवाता रहेगा। यूट्यूब चैनल एके क्लासेस एचएमएच का ये प्रयास रहता है कि ये स्टडी मटेरियल विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी वीडियो लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसी दिशा में हम एक कदम और बढ़ा रहे हैं। और एक कदम ये है कि एके क्लासेस फैमिली आज अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इस एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन को आपके समक्ष लाने में जिन भी लोगों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और स्पेशली थैंक्स करता हूँ हे टेक टेक्नोलॉजी के हरीश जी सोनी तथा टीटीसी टीम के बंटी सिंह को, जिनकी रात दिन मेहनत और अथक प्रयास से आपके समक्ष एके क्लासेस एचएमएच मोबाइल एप्लीकेशन आई है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपके समक्ष लाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे एक सत्रीय स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा सके। तो दोस्तों आज अपने इस मोबाइल एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, इसके फीचर्स क्या है, इसके अंदर जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसको कैसे चलाना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं, इनके बारे में अपने विस्तार से जानेंगे। दोस्तों हाउ टू सर्च इंस्टॉल एके क्लासेस मोबाइल एप्लीकेशन, चूंकि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड मोबाइल एप्लीकेशन है तो एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर पे जाके एके क्लासेस एचएमएच आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर अपनी एप्लीकेशन आएगी। एके क्लासेस एचएमएच लाइव लेक्चर टेस्ट एंड क्विजेस नाम से अपने मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। इंस्टॉल होने के बाद अनइंस्टॉल और ओपन, अपने को क्या करना है, इसको ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद आपको एक आईडी क्रिएट करनी है। दोस्तों ये इंटरफेस आपके सामने आने वाला है, एंटर योर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपने फिल करेंगे। नीचे ऑप्शन अपने पास आता है सेंड ओटीपी, तो इस पे सेंड ओटीपी पे क्लिक अगर करेंगे तो अपने मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ऑटोमेटिक फिल भी हो जाएगा या ऊपर ब्लिंक मैसेज में ब्लिंक करेगा ओटीपी, उसको वहां से कॉपी करते हुए इसके अंदर फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी, अपने को ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर वेरीफाई करने हैं। हाउ टू यूज एके क्लासेस एचएमएच एप्लीकेशन, दोस्तों मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन करने के बाद ये इंटरफेस एक का आपके सामने खुलने वाला है। इस इंटरफेस के अंदर आपको माई लाइब्रेरी, टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट, कॉन्टेक्ट टेस्ट, जो भी कोर्सेज आपको सारे के सारे कोर्सेज ओल के अंदर दिखेंगे। अगर स्पेशली आपको कोई कोर्सेज जैसे बैंकिंग एग्जाम, इस पे क्लिक करोगे तो बैंकिंग एग्जाम से संबंधित जितने भी कोर्सेज इसके अंदर ऐड है वो आपको शो करेंगे। सीबीएसई, आरबीएसई, सीबीएसई के अंदर 9 to 12 अभी कोर्सेज इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। आरबीएसई के अंदर 9 to 12 कोर्सेज जितने भी सब्जेक्ट है उनसे संबंधित विषय के वीडियो लेक्चर, नोट्स और क्विजेस इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। इसी तरीके से रेलवे एग्जाम, जितने भी एग्जाम है उनके कोर्सेज धीरे धीरे ऐड होते जाएंगे। अभी इसके अंदर जो कोर्सेज ऐड है वो आपको इसको ऊपर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तब आपको दिखेंगे। जैसे इस तरीके से, जैसे देखो स्कूल व्याख्याता प्रथम पर्सन पता, स्कूल व्याख्याता, हिस्ट्री, इतिहास, रीट, एसएसटी, ये सब इंस्पेक्टर, एसआई, ये कोर्सेज इसके अंदर ऐड किए गए हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू बाय कोर्सेज इन एके क्लासेस एचएमएच। कोई भी कोर्सेज ओल के अंदर सारे के सारे कोर्सेज ऐसे दिखेंगे। उसके बाद में स्पेशली किसी का अगर अपने को कोर्स आरपीएससी से संबंधित जितने भी वैकेंसी है उनसे संबंधित कोर्सेज, रेलवे से संबंधित विभिन्न कोर्सेज इसके अंदर ऐड किए गए हैं, उन कोर्सेज के स्पेशली जो भी कोर्सेज आपको परचेज करना है उस पर आप क्लिक करोगे। तो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिखेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये कोर्सेज जो है इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है उससे संबंधित आपको डिटेल दी होगी, इसकी ड्यूरेशन क्या रहने वाली है इस कोर्सेज की, इस सभी से संबंधित आपको जो भी जानकारी है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसके नीचे ऑप्शन आएगा बाय नाउ का, बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस सामने दिखेगा। ये पेमेंट गेटवे है,
इस पेमेंट गेटवे में सारे के सारे ऑप्शन जितने इंडिया में चलते हैं वो सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। यूपीआई के द्वारा फोन पे, गूगल पे, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वैलेट, इनके माध्यम से आप नेक्स्ट कोर्स है वो परचेज कर सकेंगे, बाय कर सकेंगे। जो भी नेक्स्ट स्टडी मटेरियल इन कोर्स, यानी जो भी कोर्सेज आपने बाय किया है, परचेज किया है, उस कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है, उस कोर्स के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके सारे के सारे जो सब्जेक्ट है उनको ऐड किया गया, उन सब्जेक्ट्स में आगे कौन कौन से टॉपिक है उनको ऐड किया गया है। जैसे ये टॉपिक है, सारे के सारे कंटेंट है, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इससे संबंधित जो भी टॉपिक है वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। इस टॉपिक में क्या मिलने वाला है वो नेक्स्ट, इस टॉपिक पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपको वीडियो एंड नोट्स, क्विजेस, ये इंटरफेस आपको ऐप में देखने को मिलेगा। वीडियो एंड नोट्स में आपको एक वीडियो शो करेगा और साथ में नोट्स, ये दोनों के दोनों शो करेंगे। जितने भी वीडियो इस टॉपिक से संबंधित होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे वीडियो आपको शो करेंगे, तथा इस टॉपिक से संबंधित जो नोट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकेंगे। प्ले वीडियो पे क्लिक करोगे, वीडियो को आप देख सकेंगे, तथा रीड नाउ, यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है, तथा इस टॉपिक से संबंधित क्विजेस यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे हल कर सकेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। यानी पूरे जो भी कोर्स आपने बाय किया है उस कोर्स के सारे सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो, नोट्स और क्विजेस यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट, हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज इन एके क्लासेस एचएमएच ऐप। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अपने को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसी प्रैक्टिस के लिए एके क्लासेस एचएमएच सीरीज लेके आया है मोबाइल एप्लीकेशन में। तो इसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आएगा, वहां से आप बाय करोगे। बाय करने के बाद आपको लाइव टेस्ट का ऑप्शन है, वहां पे जितने भी उस पर्टिकुलर जो कोर्सेज है उससे संबंधित टेस्ट सीरीज जो है उससे संबंधित जितने भी टेस्ट है वो लाइव टेस्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो लाइव टेस्ट के अंदर जिस भी टॉपिक का आप टेस्ट देना चाहोगे तो उस टॉपिक से संबंधित टेस्ट पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद में स्टार्ट टेस्ट आएगा, कितना टाइम का है और कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये आपको ऊपर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो स्टार्ट टेस्ट करने के बाद जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर ऐड है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको शो करेंगे। उसके अंदर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी क्वेश्चन क्लिक करने के बाद अगर ऊपर टाइम आउट होएगा, टाइम आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा टेस्ट। अगर टाइम आउट होने से पहले अगर आप इस टेस्ट को कर लेते हो तो सबमिट आंसर, ये ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। लास्ट के अंदर रहेगा जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के लास्ट में ये ऑप्शन रहेगा सबमिट आंसर, यानी इसका मतलब सबमिट टेस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये सबमिट टेस्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे सबमिट टेस्ट करने के बाद आपका रिजल्ट शो करेगा। रिजल्ट के अंदर यहाँ पे योर स्कोर इज, यानी कितने क्वेश्चन आपके सही है और इस क्वेश्चन कौन से गलत है और कौन से सही है, इन क्वेश्चनों के आंसर की भी आपको नीचे दी हुई होगी। जो भी आंसर सही रहेगा, योर आंसर सी, आपने सी पे क्लिक किया था और आपका सही जो आंसर है वो ये है, यानी यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी उसके ऊपर आपको शो करने वाली है। दोस्तों इसके अंदर हम एक नया फीचर और लाने वाले हैं, आगे जो भी अपडेट आएगा उसके अंदर ये आ जाएगा कि आपने इस टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन टोटल थे, कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके राइट है और कितने आंसर आपके, कितने क्वेश्चन आपके गलत है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, तो दोस्तों मेन्यू का बटन है उस पर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है। होम, माई प्रोफाइल, माई लाइब्रेरी, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस, शेयर दिस ऐप और लॉग आउट, ये ऑप्शन है। होम के अंदर जाओगे तो स्टार्टिंग का जो इंटरफेस है वो आपको दिखेगा। माई प्रोफाइल के अंदर जाके आप अपना नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो अपडेट कर सकोगे। माई लाइब्रेरी में जाके जितने भी कोर्सेज आपने परचेज कर रखे हैं वो आपको वहां पे शो होने वाले हैं। उसके बाद अबाउट अस, हमारे बारे में इसके अंदर दिया, और कॉन्टेक्ट अस, इसके अंदर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तथा हमारे जितने भी सोशल साइट्स और चैनल है उनके लिंक यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए। शेयर दिस ऐप, इस आइकॉन पर क्लिक करके आप इस ऐप को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, इस ऐप को शेयर कर सकते हो। लॉग आउट, एक बार आपने इस मोबाइल नंबर,
इस ऐप को मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई कर लिया है, तो जितने भी बार इसको ओपन करोगे, जब तक लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आपको मोबाइल नंबर से दोबारा वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों एक मोबाइल एप्लीकेशन में एक नया फीचर भी है, वो है नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन के माध्यम से जितने भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपको हम टाइम टाइम पर देते रहेंगे, और ये नोटिफिकेशन यहाँ पे शो करेगा। कोई भी नोटिफिकेशन हमने डाला है तो इस नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन जो है उसके ऊपर आपको रेड कलर का आइकॉन शो करेगा, इसका मतलब कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, और इस पे आप क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन जितने भी हमने डाले हैं वो आपको शो करेगा। तो दोस्तों एके क्लासेस एचएमएच की इस एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तथा डाउनलोड कीजिए। इस एप्लीकेशन में जो भी कोर्सेज और जो भी टेस्ट सीरीज आपको ऐड की गई है, और स्पेशली जो टेस्ट सीरीज इसके अंदर ऐड की गई है वो है आगामी आने वाली जो भर्ती रीट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तथा पटवारी की जो भर्ती पोस्टपोन्ड हो गई है उसकी टेस्ट सीरीज एक स्तरीय एक लेवल की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको रीजनेबल रेट में मिलने वाली है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद, इसको यूज करने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमारे को जरूर दें, और प्ले स्टोर पे जाके एके क्लासेस एचएमएच की एप्लीकेशन पे जाके वहां पे अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।